हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम समझा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी जो बेंजीन वाला एरिल ग्रुप उसके साथ वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन रिक्से मतलब जो कॉन्जुगेशन में कैसे जाता है उसके इलेक्ट्रॉन, वो समझा रहा हूँ आज मैं। कि जैसे कि हम ये नाइट्रोजन है उसके साथ कौन डायरेक्ट कौन जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, तो नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ी, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक डबल बॉन्डेड से जुड़ी हुई है। इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसकी एक वैलेंसी संतुष्ट है। तो अब इसके हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक। तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जाते हैं, तो बेंजीन रिंग के अंदर जाते हैं तो जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड पे जाते हैं, ये पाई बॉन्ड उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं लोन पेयर। तो ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन एटम। जब ये कार्बन एटम लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, जो लेने वाला है उसके ऊपर नेगेटिव और जिस जो देने वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड बन गया ना। हाँ, अब ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, अगला जो डबल बॉन्डेड है ये डबल बॉन्ड है ऐसे ही अब कॉन्जुगेशन में चले जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन एटम, कौन सा वाला, ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड टूटा था तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन एटम लिया था, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो ये शो कर दिया और नेगेटिव था ये, नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बना देती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देती है। उसके आगे फिर ऐसे ही रेजोनेटिक अगली बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन एटम, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये तो बॉन्ड बन गया और ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ आ गई। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि अब जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था बेंजीन रिंग से, वो क्या करता है, वो बॉन्ड टूट जाता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन एटम, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव मिलकर क्या बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया, दिख गया यहाँ पे। हाँ, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, टूटने से क्या हो गया, इसकी वैलेंसी फिर नाइट्रोजन की, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी ये ऑक्सीजन पूरी करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जिसको दे देता है नाइट्रोजन एटम को। अब नाइट्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके मत क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो कौन कौन सी पोजिशन पर अटैक करेगा, जैसे कि ये बेंजीन वाला है, ये वाली मान लो, तो इसकी ये दोनों ऑर्थो पोजिशन है, ये दोनों मेटा पोजिशन है, और ये कौन सी है, पैरा पोजिशन। तो दोनों मेटा सॉरी दोनों ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हाँ, तो जो दोनों, जैसे दोनों ऑर्थो पोजिशन ये वाली और ये वाली, और ये क्या है, पैरा पोजिशन पर, तो इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि ये ऑर्थो पे आया और ये पैरा पे आया और ये क्या आ गया, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऑर्थो पोजिशन पर एक पैरा पोजिशन पर क्या होती है, कम होती है। इस कारण से जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो अटैक किस पे करेगा, मेटा पोजिशन पर, क्योंकि मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक इस वाले कार्बन पर अटैक करता है। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक इसे अटैक कर अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन या इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो और फिर उसको समझो, तब ये अच्छे से समझ में आएगी। ओके, यदि कोई फिर भी गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज लिख के बता दें, या फिर कोई और रिएक्शन समझ में नहीं आ रही तो वो भी बताएं, है ना। सो थैंक्स।